हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लौकी के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स के साथ कि आपके कोफ्ते अगर फूलते नहीं हैं तो उनको क्या करें तो कोफ्ते आपके फूलेंगे, ये सब बताने वाली हूँ। मेरे तरीके से कोफ्ते बनाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे और आपके जो भी मेहमान या घर के मेम्बर बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे। तो चलिए फटाफट अभी लौकी के कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लौकी ले ली है। लौकी बिल्कुल मुलायम जितनी होगी उतने ही अच्छे कोफ्ते बनके तैयार होंगी। और लौकी कैसे देखें कि सॉफ्ट है कि आप ऐसे नेल ऐसे इसमें लगा के ऐसे फिर देख सकते हैं कि लौकी मुलायम है कि नहीं। तो इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg के लगभग मैंने यहाँ पे एक लौकी ले ली है, धुल लिया है, धुल के अच्छे से साफ कर लिया है। अब चलिए मैं इसको छील लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर का और नीचे का हम ऐसे कट करके अलग कर देंगे। अब हम इसके दो साइड कट कर देंगे ताकि हमें छीलने में और कद्दूकस करने में इजी पड़े। चलिए अभी हम इस तरीके का पिलर ले लेंगे और इसके छिलकों को पूरा ऐसे निकाल लेंगे। तो चलिए इसका छिलका निकाल लेते हैं। चलिए अभी इनको अच्छे से हमने छिलका निकाल लिया है। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, हम इस तरीके का एक कद्दूकस ले लेंगे। आपके पास जो भी बारीक कद्दूकस हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं या जो बड़े दाने के हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना बारीक आप लौकी को कस करेंगे उतना ही अच्छे कोफ्ते बनके तैयार करेंगे। या आपके पास इस टाइप का कद्दूकस हो, आप मार्केट में बहुत ही टाइप के कद्दूकस मिल जाते हैं, तो आप जितना बारीक करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे लौकी के कोफ्ते बनके तैयार होंगे। तो आप इससे अच्छे से क्रश कर लें। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का इस्तेमाल करूँगी क्रश करने के लिए ताकि हमारे मीडियम साइज़ के लौकी किसके तैयार हो। चलिए अभी इसको हम फटाफट क्रश कर लेते हैं। चलिए इसी तरीके से हम सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी लौकी को क्रश कर लिया है, मैंने मीडियम साइज से कस किया है। तो ये बहुत बड़े बड़े भी पीस नहीं हुए हैं और बहुत पतला छोटा नहीं हुआ, जिससे कि हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। और आज मैं आपको अच्छे तरीके से कैसे कोफ्ते बनाएं उसकी एक टिप्स भी दूंगी इसमें, क्योंकि लौकी जब हम क्रश करते हैं तो बहुत ढेर सारा पानी इसमें निकलता है। ये देखिए इसमें बहुत पानी निकलता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके पूरे पानी को हमें यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है ऐसे हम हाथ में लेंगे और इस पानी को ऐसे हाथ से दबा दबा के दोनों हाथों से इसको हम एक बाउल में डालते जाएंगे। जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, वैसे ही इसको ऐसे करके पानी निकाल लें। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से इसको ऐसे करके पानी निकालेंगे तो आपके कोफ्ते अच्छे बनके तैयार होंगे। अब बहुत लोग अपने वीडियो में दिखाते हैं कि वो कोई कॉटन का कपड़ा ले लो, उससे पूरा पानी निकाल लें, तो उससे क्या होगा, जब हम क्योंकि हम इसमें पानी तो ऐड नहीं करेंगे जब कोफ्ते में बेसन मिक्स करेंगे, तो इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहता है उससे हमें मॉइस्चर मिलता है, तो हमारे कोफ्ते अच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर हम कपड़े से पूरा निचोड़ लेंगे तो हमारे कोफ्ते मुलायम नहीं बनेंगे, बहुत ही टाइट रहेंगे और वो ग्रेवी में जाके बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। तो आप इस बार मेरे ट्रिक से बनाइए घर पे कोफ्ते। आप कपड़े से नहीं, सिर्फ हाथ से ऐसे निचोड़ के ही इस ट्रिक से आप अगर घर पे कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि लौकी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इनको बाद में हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिए जो मैंने ये लौकी को क्रश करके रखा है, जिसका मैंने पानी अलग कर लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच के करीब बेसन ऐड करूंगी। आप चाहें तो बाद में भी अगर बाइंडिंग नहीं बन रही है तो आप ज़्यादा भी बेसन ऐड कर सकते हैं। बेसन का क्या काम है, बेसन हमारे कोफ्तों को बाइंडिंग देगा, जिससे हमारे कोफ्ते तेल में जाके फटेंगे नहीं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी कोफ्ते बनेंगे हमारे, हल्का सा इसमें टैंगी खट्टापन आएगा। और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, ये आप किसी भी ब्रांड का गरम मसाला यूज कर सकते हैं। नमक आधा चम्मच, आप टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक और मिर्ची को क्रश करके ले लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे मसाले और बेसन लौकी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए हमारे मसाले और बेसन अच्छे से लौकी के साथ मिक्स हो गया है और ये कितना अच्छा, इसमें मुझे एक्स्ट्रा बेसन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये एकदम परफेक्ट है जैसा कि हमें चाहिए और ये ना बहुत ज़्यादा गीला हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हमें ऐसे, क्योंकि हमने उसको कपड़े से नहीं निचोड़ा था तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है जो कि हमारे बेसन के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो अभी ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार है, तो अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए अभी हमारे 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अभी ये अच्छे से सेट हो गया है तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं, मतलब कोफ्ते बना लेते हैं। आप चाहें तो गोल गोल किसी भी शेप के आप कोफ्ते बना सकते हैं। आप चाहें तो तेल चढ़ा गैस में गर्म होने के लिए रख के और तुरंत तुरंत बना बना के डाल सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी होगा, या आप चाहें तो पहले से भी ये बना के रख सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी की सारी गोलियाँ हम इसी शेप में बना लेंगे। ये देखिए हमारी गोलियाँ ये अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं, तो चलो इनको अभी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए तेल हमारा गरम हो गया है, मैंने ये पहले से ही कढ़ाई गैस में चढ़ा के रखी थी, अपने कोफ्ते इसमें पकाएंगे और हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम लो ही रखना है क्योंकि हमें इनको धीरे धीरे सुनहरा कलर होने तक, मतलब कि गोल्डन कलर होने तक पकाना है, नहीं तो क्या होगा अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर अच्छे से नहीं पकेंगे। तो चलिए ये धीरे धीरे पक रहे हैं तो हम इनको धीरे धीरे पलटाते भी जाएंगे ताकि ये अच्छे से इक्वल साइड में पक जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का इनका कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन होने लगा है, तो इनको हम पलट देंगे ताकि नीचे की साइड भी ये अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पक जाए। और देखिए इनका कलर कितना ही ज़्यादा सुनहरा परफेक्ट कलर आया है। तो इसी तरीके से हम गोल्डन कलर होने तक इनको अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते ये सुनहरे कलर हो गया है इनका, ये अच्छे से अंदर और बाहर पक गए हैं ये। चलिए अभी इनको हम निकाल लेते हैं तेल निचोड़ के। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं और देखिए ना कोई फटा है ना कोई एकदम लग रहा है ना टेम्पटिंग, मुझे तो ये ऐसे ही खाने का चटनी के साथ मन कर रहा है। तो चलिए फटाफट अभी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो चलिए अभी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, अब मैं इसमें 2 चम्मच बड़ा ऑयल ऐड करूंगी, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है तो मैं 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी, इससे कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें 1 दालचीनी और 1 तेज़पत्ता ऐड करूंगी, ये गरम मसाले बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आते हैं कोफ्तों में, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर डालिए। अब इसको ऐसे चला देते हैं ताकि जीरा हमारा थोड़ा सा भुन जाए अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने इसमें 2 छोटे साइज के प्याज का पेस्ट बना लिया है, ये हल्का सा गड़बड़ा ही है, आप चाहें तो बारीक भी बना सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको भून लेते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हींग, इससे लौकी के कोफ्ते डाइजेस्ट होने में, जैसे किसी को बहुत ये नुकसान कर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम इसमें हींग का यूज करते हैं तो। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्ची इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारा ये गोल्डन कलर का थोड़ा सा होने लगा है, इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करूँगी, तो मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर में बहुत अच्छी होती है, इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं यूज होते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है तो मैं 1 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से ही नमक इसमें ऐड कीजिए। चलिए ये मसाले अच्छे से भून गए हैं तो मैं इसमें ये मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाई ली है, इसको इसमें ऐड कर दूँगी और इसका
अच्छे से जब तक तेल नहीं इसमें रेड होने लगता है तब तक हम पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर इसमें अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए टमाटर अभी हल्के हल्के पकने लगे हैं क्योंकि इसका देख सकते हैं आप कलर चेंज हो रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ही अच्छे से मसाले भून के टमाटर के साथ अच्छे से भून जाते हैं। तो ये देखिए अभी टमाटर हमारे अच्छे से भून गए हैं, तो अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप कम या ज़्यादा जैसे ही आपको थिकनेस चाहिए वैसे ही ये मैं लौकी में जो बचा था पानी वो ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और ये मैं दूसरा टिप्स आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो थोड़ा सा ग्रेवी पतली ही रखें ताकि कोफ्ते हमारे सोक होने के बाद भी हमारी ग्रेवी थोड़ी सी बनी रहे। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ही रखें, थोड़ा सा पतला ही रखें ग्रेवी है। तो चलिए अभी इसको ढक के रख देते हैं जब तक इसमें उबाल नहीं आने लगता है। तो चलिए अभी ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से खोलने लगी है और जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना ही ये है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसको और भी ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए 1 चम्मच मैं यहाँ पे मलाई यूज़ कर रही हूँ। ये होममेड मलाई है, इससे इन कोफ्तों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आएगा और बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनके तैयार होंगे। ये मेरा आज का टिप है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये आप ज़रूर से ज़रूर डालिए बाद में क्योंकि ये खोलने के बाद गरम मसाले का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लास्ट में बंद करने के 5 मिनट पहले, गैस बंद करने के 5 मिनट पहले आप इसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड करें, उससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमने जो अपने कोफ्ते बना के रखे थे वो कोफ्ते अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छे से कोफ्तों को ग्रेवी के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही खुला करके पकाएंगे। तो अभी हमारे 1 मिनट हो गए हैं और ये कोफ्ते अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। चलिए अभी इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते एकदम मलाई जैसे मुलायम कोफ्ते बन के तैयार है। तो अगर आप मेरे जैसे ट्रिक से कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से आप अपने घर में लौकी के कोफ्ते बनाइए और बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते आपके बन के तैयार होंगे। और अगर आपको मेरी आज की ये लौकी के कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ऐसी ही रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपने ये घर पे ट्राई किया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।